आजा आजा बेटा, ये बाप नहीं, ये बाप नहीं, नहीं नहीं, ये बाप मुझे खास ले ले बाप, नहीं नहीं नहीं, आजा बाप, ये बाप मुझे खास ले ले बाप, नहीं नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार और स्वागत है आपका झंडवा रोस्ट के न्यू एपिसोड में, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएफ मशीन गन। और आज मैं एक तेलुगु फिल्म देखकर आ रहा हूँ जिसका नाम है एजेंट स्टेरिंग अक्कल है कि नहीं एंड मामूटी। अब देखो, ये स्पाई थ्रिलर फिल्म है लेकिन थ्रिलर की माँ किया, बट ये ऐसा स्पाई फिल्म है जहाँ पर आप खुद बोल दोगे कि मैं स्पाई भेज के मेरे ही स्पाई को गोली मार दूंगा क्योंकि मेरे को ये सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई भगवान से डरो, कम से कम भगवान से डरो, जो तुम बना रहे हो तुम्हारे दिमाग तक पहुँच रहे कि तुम क्या करना चाह रहे हो। अरे डरो यार, वो ऊपर वाला भी देखता रहेगा, बोलेगा कि यार मेरे को नीचे देखना ही नहीं है क्योंकि ये लोगों ने नजर ही बदल दिया है। अरे ये फिल्म थिएटर में नहीं लगनी चाहिए, शौचालय में लगनी चाहिए ताकि दो दो मिनट पर सबका प्रेशर निकले। यार मैं पिक्चर छोड़ के ना मोबाइल में नाइकी वेबसाइट चला के ख्वाब देख रहा हूं। अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं ना तो किसी का भाई किसी का जान, इस साक्षात मास्टरपीस। प्लीज गाइस, डोंट गो टू थिएटर, सेव मनी फॉर रशियन। भाई दूर रहो इससे यार। भाई इस फिल्म का हीरो तो अपने आप को अल्लू अर्जुन समझ रहा है यार, उसको देख के आपको ना टाइगर श्रॉफ की इज्जत बढ़ जाएगी, आप बोलोगे कि वो सुपरस्टार है। भाई ये देखो क्या कर रहा है, ये हर सीन में ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई क्या हो गया भाई, बीड़ी का बंडल घुस गया क्या अंदर, क्या कर रहा है भाई तू, पूरा बंडल एक्टिंग, क्रिंज, ओवर एक्टिंग। और इंटरवल में भाई ये जो अपने आप को जॉन विक समझ रहे हैं ना, भाई जॉन विक नहीं, जॉन्डिस लग रहे थे, जॉन्डिस यार, मेरे को सहन नहीं हुआ ये क्या कर रहे। और हीरोइन, हीरोइन तो यार स्केलेटन वर्जन ऑफ राशि खन्ना लग रही यार। भाई इससे अच्छी हीरोइन ना मेरे बिल्डिंग में जो डेली मेरे को टर्की बोल के जाती है यार, क्या था ये। जब पिक्चर में कुछ ट्विस्ट आना चाहिए तो वहां पर गाना आ जा रहा है और पिक्चर शुरुआत ही होती है वीएफएक्स के पतली टट्टी के साथ। आप बोलोगे कि भाई दिखा दिया ये लोगों ने कि ये लोग आज भी पीएस के जमाने में नहीं है, कॉन्ट्रा के जमाने में। एक तो फिल्म के हीरो का मुंह ढूंढने ही 10 मिनट लग जाते क्योंकि इतने लंबे लंबे बाल और अपरचित जैसा एकदम आगे ही रहते। अरे भाई, और ऊपर से मामूटी साहब को ले लिया भाई, उनको भी ऐसे ही बोले रहेंगे ये लोग कि मामूटी जी आपने 200-300 फिल्में की है, आपका करियर आज तक अच्छा चल रहा है, आओ थोड़ा सा बर्बाद कर दूं, तो वो भी आ जाते। भाई साहब, एंड बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा रहता अगर म्यूट रहता था। एंड स्टोरी की बात करूं ना तो भाई साहब, अगर स्टोरी होती तो ये लोग नागार्जुना के पास जाते, उनके बेटे के पास नहीं। भाई बंद करो यार ऐसी फिल्मों पे ना तेलुगु वालों, दूध मत चढ़ाओ, दूध पिलाओ ताकि मेकर्स बड़े होए और अच्छी फिल्में लाए। भाई तब कुट गया मेरा बस। भाई मैं खराब की खराब पिक्चर देखने भी तैयार हूँ और मजा ले लेता हूँ मैं खराब पिक्चरों का भी, लेकिन ये पिक्चर ने मेरा दब घुटाया भाई, तड़प गया था मैं अंदर से, तड़प गया था कि मैं क्यों देखने आया भाई, क्यों देखने आया। ये फिल्म साक्षात नरक का रास्ता है एंड ये फिल्म सबक है कि भाई क्यों फिल्म नहीं बनाना चाहिए। एंड एक और सबक है ये इनके मेकर्स के लिए कि भाई इनके मेकर्स को बताओ कि जमाने में पैसा कमाना कितना मुश्किल है, जो यार 80 करोड़ फूक के बैठे इसमें। भाई शर्म करो, भगवान से डरो भाई, वो भी बोलते रहेंगे कि मेरी बोलती बंद हो गई भाई, डरो प्लीज। एक चीज नहीं अच्छा है फिल्म में, उसको देख के मैं तारीफ करूं भाई, तारीफ करूं, मर गया था मैं। प्लीज सेव मनी फॉर रशियन। ओवरऑल एजेंट इज अ साक्षात पतली टट्टी फिल्म, जो किसी भी कोने में लगी ना तो वहां पेस्टिसाइड घुमाओ, बीएमसी को बुलवाओ, सब बंद करो भाई। मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से गया था भाई, आप लोगों की वजह से। इससे पहले मैं शमशान चले जाओ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।